नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जमा बाउचर कैसे फिलअप या भरा जाता है। इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का जमा बाउचर, इसे कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है शाखा या ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपका ब्रांच लगता है, ब्रांच आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा ब्रांच है कर्नेलगंज, तो यहाँ पे हो गया कर्नेलगंज। उसके बाद में डेट आपको डालना है, किस डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं 12/7/2024। और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, आपको जो आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, जो आपके अकाउंट में आपका नाम है। और अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने रुपए आप जमा करना चाहते हैं। तो हम 20,000 रुपये जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000। नीचे यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मात्र, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे पूरा हो गया है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं नगद जमा कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी नोटें हैं यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे 500 की हमारे पास कितनी नोटें हैं, 10 नोटें हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 500 की 10। और यहाँ पे हो गए 5,000। उसके बाद में यहाँ पे 200 की कितनी नोटें पूछी जा रही हैं, तो 200 की हमारे पास है 50 नोट। तो 200 की यहाँ पे लिख देंगे 50 नोट। उसके बाद में कितना हुआ, 200 × 50 यानी हो गए यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे हो गए 10,000। उसके बाद में 100 की कितनी नोटें हमारे पास हैं, 100 की हैं 50 नोट। तो यहाँ पे हो गए 5,000। तो अब यहाँ पे 5, 5, 10 और 10, 20, यहाँ पे इसको यहाँ पे लाइनिंग मार देंगे कि नीचे हमारे पास कोई नोटें नहीं है, बस इतनी नोटें हैं। और यहाँ पे टोटल कर देंगे हम 20,000। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे शाखा आपको लिख देना है, जो आपका शाखा लगता है। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, जो अकाउंट नंबर आपका है। और अब यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, जिस डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम मांगा जा रहा है, आपको नाम डाल देना है। यहाँ पे नाम देख सकते हैं, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे अपना हम। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो मोबाइल नंबर आप चलाते हैं, तो मोबाइल नंबर अपना लिख देते। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, अगर एड्रेस आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राशि आप पूछ जाए, शब्दों में कितने रुपए आपको जमा करना है, तो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये मात्र। नीचे आना है, यहाँ पे आपको साइन बना देना है, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जो व्यक्ति जमा कर रहा है उसको साइन करना है यहाँ पे। अगर आपका खाता स्वयं है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो जमा करने गया है वो भी अपना यहाँ पे साइन कर सकता है कि हमने इनके अकाउंट में इतने रुपए जमा किए हैं। तो बस सेम इसी प्रकार आपको इसे फॉर्म को फिलअप करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस भर गए फॉर्म, आप पैसा जमा करिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।